Hello friends, today we are seeing our next topic, that is a database user and administrator. Who is a person that has user and different types of database user and administrator user. क्या administrator कौन होता है and हमारे database का user कौन होता है या database user के कौन कौन से different types है ये सब हम इस video के अंदर देखने वाले हैं. बस हम देखते हैं कि डेटाबेस यूजर ये नॉर्मली नेम सजेस्ट दैट द डेटाबेस यूजर कौन होगा. द डेटाबेस यूजर हु एक्सेस यूअर डेटाबेस और हु यूज यूअर डेटाबेस. कि डेटाबेस को जो यूज करने वाला है वो हमारा डेटाबेस यूजर यहाँ पे होने वाला है. देयर आर नंबर टाइप्स ऑफ डेटाबेस यूजर, उसमें से कुछ टाइप्स हम यहाँ पे देखेंगे. जैसे लाइक कि जो नॉर्मल यूजर होगा हमारा, जो डेटाबेस को एक्सेस करेगा, उसको हम डेटाबेस यूजर बोलने वाले. तो स्पेसिफिकली हम इसके अंदर देखते हैं, हमारा सब्जेक्ट है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. तो स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट डेटा यूजर. ओके, डेटाबेस यूजर के अंदर डिफरेंट टाइप्स हमारे पास है. देर आर वो फोर मेजर टाइप. मल्टीपल टाइप्स है या मल्टीपल डेटा यूजर्स हमारे पास है, बट यहाँ पे हम मेजर फोर टाइप्स कौन से है वो यहाँ पे देखने वाले. फर्स्ट इज एन एप्लीकेशन प्रोग्रामेबल. ओके, इट इज एन इंटरैक्ट विद द सिस्टम थ्रू अ DML कॉल. डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज यूज करके जो हमारे डेटाबेस के साथ कम्युनिकेट करता है, उस यूजर को हम क्या बोलने वाले या उस पर्सन कौन होगा, हमारा एप्लीकेशन प्रोग्रामर जो हमारे एप्लीकेशन की डिज़ाइन को क्रिएट करेगा. दिस आर डेवलपिंग फॉर्म एंड रिपोर्ट टू एंटर एंड रिट्राइव अ डेटा फ्रॉम अ ट्रांजेक्शन पर्पज. इस ये जो प्रोग्रामर होगा वो क्या ये कौन सा टास्क परफॉर्म करने वाला है, फॉर क्रिएटिंग और डेवलपिंग अ डिफरेंट फॉर्म वेब पेजेस एंड अ डिफरेंट रिपोर्ट फॉर रिट्राइविंग यूअर डेटा एंड इंटरिंग अ डेटा थ्रू अ डिफरेंट फॉर्म वेब फॉर्म और वेब पेजेस. तो ये जो टास्क कौन करेगा, हमारा एप्लीकेशन प्रोग्रामर. सेकेंड वन इज एन सोफिस्टिकेटेड यूजर. फॉर्म रिक्वेस्ट इन अ डेटाबेस क्वेरी लैंग्वेज. दिस यूजर आर वर्किंग विद क्वेरी प्रोसेस फ्रॉम देयर रिक्वेस्ट. अभी यहाँ पे एक सोफिस्टिकेटेड यूजर क्या करता है, सोफिस्टिकेटेड यूजर आर वर्किंग विद क्वेरी प्रोसेस. ये सिर्फ जितने भी नंबर्स ऑफ क्वेरी होंगे उसको प्रोसेस करने का टास्क हमारे सोफिस्टिकेटेड यूजर के पास होगा. कि अकॉर्डिंग टू रिक्वेस्ट, कि जो भी रिक्वेस्ट हमारे पास आई है उसके अकॉर्डिंगली डेटा हमें रिट्राइव करना है एंड उसके फॉर उसके पर्पज के लिए जो भी क्वेरी लगेगी उस क्वेरी को डिजाइन करेंगे एंड फायर करेंगे इन आवर डेटाबेस. देन थर्ड इज एन अ स्पेशलाइज यूजर. राइट अ स्पेशलाइज डेटाबेस एप्लीकेशन दैट डू नॉट फिट इनटू अ ट्रेडिशनल डेटाबेस प्रोसेसिंग फ्रेमवर्क लाइक एन एक्सपर्ट सिस्टम. कि थर्ड वाला हमारा है स्पेशलाइज, जो एक्सपर्ट सिस्टम के ऊपर टास्क परफॉर्म करने वाला है. जो भी नॉलेज बेस्ड सिस्टम होगी हमारी बाय किसके लिए, विच यूजिंग अ डेटा फॉर अ डिसीजन मेकिंग. जो भी हमारा डिसीजन मेकिंग टास्क हमें परफॉर्म करना होगा या स्पेशलाइज डेटा फाइंड आउट करना होगा हमारे डेटाबेस के अंदर से, विथ जो भी हमारा ट्रेडिशनल प्रोसेस है उसको यूज ना करके अलग से कुछ तो डिफरेंट एक प्रोसेस इसके अंदर हम डेवलप करेंगे, जिसके थ्रू हम मल्टीपल्स रिकॉर्ड एट अ टाइम या हमारे अकॉर्डिंगली यहाँ पे डेटा फाइंड आउट कर सकते हैं. नेक्स्ट इज एन नेटिव यूजर. ओके, फोर्थ वन इज एन नेटिव यूजर. इनवोक वन ऑफ द परमानेंट एप्लीकेशन प्रोग्राम दैट हैव बीन रिटन प्रीवियस टू यूज द डेटाबेस. नेटिव इन द सेंस क्या होगा, कि जो प्रीवियसली हमारे सिस्टम ऑलरेडी एग्जिस्ट है उसको हमारे डेटाबेस के साथ एक किस तरह से हम कंबाइन कर सकते हैं.
जैसे एक हमारा नेटिव प्लेस होता है कि जहाँ से हम हमारा डेटा स्टार्ट हुआ होता है, कि हमारी जो जर्नी है वो वहाँ से स्टार्ट होती है हमारे नेटिव प्लेस से। तो सिमिलर जो भी डेटाबेस होगा उसका स्टार्टिंग कहाँ पे, कहाँ से डेटा हमने स्टार्ट किया, कहाँ से डेटा एक्सेस करने वाले, या डेटाबेस हम कहाँ पे स्टोर किया है हमने, जैसे कि बैंक होगा हमारा या इलेक्ट्रिकल स्टाफ होगा, और वेबसाइट हो सकती है कि डिफरेंट प्लेसेस हो सकते हैं नेटिव यूजर्स यहाँ पे हमें मिलने वाले। नेक्स्ट हमारे पास है कि डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। क्या टास्क हो सकता है हमारे डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर का? अ पर्सन हु हैज द सेंट्रल कंट्रोल ओवर द डेटाबेस इज एन DBA, जिसके पास सेंट्रल कंट्रोल है आपके पूरे डेटाबेस का, उसको हम एज अ डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर यहाँ पे मेंशन करते हैं। नेक्स्ट इसके बाद कि इसके पास नंबर्स ऑफ ड्यूटीज है, कि कौन कौन से ड्यूटीज है इसके पास, कि ड्यूटीज इन द सेंस कि जितना भी डेटा हम हैंडल करने वाले वो कौन कौन से डिफरेंट सिनारियों से या डिफरेंट ड्यूटी थ्रू हम हैंडल करने वाले, ये सब हम इसके अंदर देखेंगे। फर्स्ट इज देन अ स्कीमा डेफिनेशन। इन अ स्कीमा डेफिनेशन द DBA हैज, DBA इन द सेंस डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर हैज टू क्रिएट द डेटाबेस स्कीमा विद द हेल्प ऑफ DDL। लास्ट वीडियो में हमने देखा DDL क्या होता है, DML क्या होता है, तो इफ आपको किसी को पता नहीं होगा तो प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। DBM बाय यूजिंग अ DDL डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज थ्रू, जो भी हमारा स्ट्रक्चर हमारे डेटाबेस का डिजाइन करना है या टेबल का स्ट्रक्चर डिजाइन करना है, तो वाया हम वाया स्कीमा डेफिनेशन वो परफॉर्म करने वाले। देन सेकेंड वन इज एन स्टोरेज स्ट्रक्चर एंड एक्सेस मेथड डेफिनेशन। इसके अंदर क्या होगा कि कौन से टाइप से हमें डेटा स्टोर करना, कि कौन सा स्ट्रक्चर हमें चाहिए, उसके अकॉर्डिंगली हम स्ट्रक्चर डिजाइन करेंगे। देन एक्सेस मेथड डेफिनेशन कि स्पेसिफिक कौन से यूजर को हमें कौन सा एक्सेस प्रोवाइड करना है, बाय यूजिंग एक्सेस मेथड डेफिनेशन हम वहाँ पे डिफाइन करेंगे। देन नेक्स्ट इज स्कीमा एंड फिजिकल ऑर्गेनाइजेशन मॉडिफिकेशन टू एडॉप्ट चेंजिंग नीड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन द DBA हैज़ टू कैरी आउट द चेंजेस टू द स्कीमा एंड द फिजिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ डेटा, कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन का फिजिकल डेटा होगा उसको हम किसके फॉर्म में कन्वर्ट करने वाले, जो भी हमारा डेटाबेस फॉर्मेट है या डेटाबेस स्कीमा थ्रू हम उसको क्या करेंगे अपग्रेड करने वाले, कि बाय यूजिंग अ फिजिकल ऑर्गेनाइजेशन मॉडिफिकेशन, कि जिस तरह हमारा फिजिकल डेटा मॉडिफाई हो रहा है सिमिलर वे में हमारा जो स्कीमा है या स्ट्रक्चर है हमारे डेटाबेस या टेबल का हम वो अपग्रेड करेंगे बाय यूजिंग अ DDL लैंग्वेज। नेक्स्ट देखते हैं इसके अंदर कि हमारा ग्रांटिंग यूजर अथॉरिटी टू एक्सेस अ डेटाबेस, कि नंबर्स ऑफ यूजर्स है हमारे पास, तो नंबर्स ऑफ यूजर को हमें यहाँ पे क्या करना है कि हमारे डेटाबेस की जो भी इंफॉर्मेशन है वो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, तो जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है तो वो किसके पास जानी चाहिए, वो ऑथराइज यूजर ही उसको एक्सेस करना, ऑथराइज यूजर ही उसको एक्सेस कर सकता है। इस सिनारियो का या ये पॉलिसी हमें इसके अंदर डेवलप करनी है, तो बाय यूजिंग अ DBA डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर क्या करेगा, नंबर्स ऑफ यूजर्स को कौन से यूजर को कौन सी परमिशन हमें ग्रांट करनी है, एक्सेस अवेलेबल करना है, ये टास्क हमारा जो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर है वो परफॉर्म करने वाला है। नेक्स्ट लास्ट वन इज ए राउटिंग रूटीन मेंटेन। ओके, रूटीन इन द सेंस क्या है कि जो नंबर्स ऑफ क्या डेली रूटीन प्रोसेस होती है, कि जैसे कि इसके अंदर हम देख सकते हैं पीरियडिकल बैकअप ऑफ योर डेटाबेस, डेटाबेस का पीरियडिकली टाइम टू टाइम हमें बैकअप लेना चाहिए। कीप फ्री स्पेस अवेलेबल फॉर नॉर्मल ऑपरेशन एंड अपग्रेडिंग अ डी स्पेस रिक्वायरमेंट, कि जो भी हमारा स्पेस होगा वो अवेलेबल होना चाहिए डे टू डे, या जो फ्री स्पेस हुआ है उसको हमें क्लीन अप करना चाहिए टाइम टू टाइम,
नेक्स्ट मॉनिटर जॉब रनिंग ऑन अ डेटाबेस, कि डेटाबेस के ऊपर जितने भी नंबर्स ऑफ जॉब रन हो रहे उसके ऊपर हमें मॉनिटर करना चाहिए कि हर एक जॉब के लिए कितना स्पेस, कितनी एनर्जी या कौन सा स्ट्रक्चर हम यूज करें, सभी यहाँ पे हम मॉनिटर करेंगे। देन लास्ट वन इज एज रिकवरी ऑफ अ डेटाबेस इन केस ऑफ क्रैश, कि इफ हमारा डेटाबेस क्रैश होता है कोई भी रीजन की वजह से, तो यहाँ पे हम उसको क्या करेंगे, रिकवर करेंगे बाय यूजिंग अ रूटीन मेंटेनेंस। ओके, अभी डेटाबेस यूजर एंड डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर के बीच में कोई भी आपको डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं हमें, कोई भी डाउट होगा तो, और कोई डाउट नहीं होगा तो उसको लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।